हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र फोनेटिक्स के इस टॉपिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस टॉपिक का पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि फोनेटिक्स भाषा की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम साउंड्स और साउंड सिस्टम की स्टडी करते हैं, जिसमें स्पीच ऑर्गेन्स भी शामिल हैं। और अंग्रेजी भाषा की जहाँ तक बात है, इसमें 26 लेटर्स हैं, लेकिन इसमें 44 साउंड्स प्रोड्यूस की जाती है। और इन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने कुछ सिंबल्स को निजात किया और उन सिंबल्स को नाम दिया फोनेटिक सिंबल्स, फोनीम्स या ग्रेफिम्स, और इनको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया। और ये इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स हैं, IPA के नाम से भी जाने जाते हैं। और अंग्रेजी में जैसा कि मैंने बताया कि 44 साउंड्स हैं, इन 44 साउंड्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स की संख्या 24 है, वोवल साउंड्स की संख्या 20 है। ये वोवल साउंड्स को फर्दर दो तरीके से डिवाइड किया गया है, प्योर वोवल साउंड्स और डीप थोंग्स या डबल वोवल साउंड्स। प्योर वोवल साउंड्स की संख्या 12 है और डबल वोवल साउंड्स या डीप थोंग्स की संख्या 8 है। हमने 44 साउंड्स को रिप्रेजेंट करने वाले सिम्बल्स की स्टडी की, इनको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है उसको हमने देखा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड्स को किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है और कौन कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से डिवीज़न के अंतर्गत आती है। तो ये जो साउंड सिस्टम है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है या कोई वोवल साउंड्स है, उसको हम कैसे, कहाँ से इसका उच्चारण किया जाता है और कैसे जो एयर है हमारे मुंह से या स्पीच ऑर्गेन से बाहर आती है, क्या पोजीशन रहती है, एयर फ्लो क्या है, उसके अनुसार ही इनको डिवाइड किया गया है। तो आज हम डिवीज़न देख रहे हैं कॉन्सोनेंट्स का, जिसके अंतर्गत सबसे पहले है प्लोजिव्स, या इनको स्टॉप्स नाम से भी जाना जाता है। प्लोजिव्स की संख्या है 6 प्लोजिव्स हैं, प ट क ब ड और ज, ये 6 प्लोजिव्स हैं। प्लोजिव्स इन्वॉल्व अ कम्प्लीट ब्लॉकेज ऑफ एयर फ्लो। जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुंह में एक ब्लॉकेज को हम फील करते हैं कि जो है इसको बोलते समय हमारे मुंह में एयर को रोका जा रहा है, ड्यू टू फुल क्लोजर एट सम पॉइंट इन द माउथ। होता क्या है कि ऐसे लगता है कि हमारे मुंह में किसी एक पॉइंट पे एक क्लोजर है, एक रुकावट है, उस बाधा की वजह से जो एयर फ्लो है वो ब्लॉक हो गया है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको हम प्लोजिव्स की श्रेणी में रखते हैं और इनकी संख्या 6 है। दूसरा टाइप है नेजल्स, जिसकी साउंड नाक से आती है। नेजल्स इन्वॉल्व कंप्लीट क्लोजर इन द माउथ, माउथ में पूरा क्लोजर हो जाता है, बट द बैक ऑफ द वेलम इज लोवर्ड, अलाउिंग द एयर फ्लो टू पास थ्रू द वेलो फेरेंजियल पोर्ट एंड आउट द नोज। होता क्या है इसमें कि मुंह से एयर का जो फ्लो है वो ब्लॉक रहता है और इसमें साउंड जो है नाक से आती है। तो इनकी संख्या, नेजल्स की संख्या 3 है, अंग। उसके बाद आता है फ्रिकेटिव्स, फ्रिकेटिव्स की संख्या 9 है, 9 फ्रिकेटिव्स है इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये 9 फ्रिकेटिव्स हैं, फ व श ज ह श थ द ज। फ्रिकेटिव्स इन्वॉल्व अ पार्शियल कंस्ट्रक्शन इन द माउथ, माउथ में थोड़ी सी बाधा होती है जब हम इनको बोलते हैं, such that airflow is forced through narrow channel creating a hissing sound। तो जब हम इनको बोलते हैं तो hissing sound आती है, sh sound आती है। तो ये sh sound आती है, उसका कारण क्या है कि मुंह में कहीं ना कहीं एक blockage होता है, उस blockage की वजह से जो sound है side से निकलती है और hissing sound आती है। तो इनको हम fricatives बोलते हैं और इनकी संख्या है 9। ये fricatives फ फ व श ज ह श थ द और ज। तो ये फ्रिकेटिव्स 9 हैं, इनको बोलते समय जो हवा है वो साइड से निकलती है, साइड वाले दांत से निकलती है और एक हिसिंग साउंड निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो डिवीजन है, नेक्स्ट जो टाइप है कॉन्सोनेंट्स का, वो है एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स की संख्या है 2, 2 एफ्रिकेट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, च और ज। एफ्रिकेट्स इज अ टर्म समटाइम्स यूज्ड फॉर स्टॉप प्लस फ्रिकेटिव। स्टॉप की जो क्वालिटी है और फ्रिकेटिव की जो क्वालिटी, दोनों की मिक्स जब कैरेक्टरिस्टिक्स किसी साउंड को बोलने में काम आते हैं तो हम उसको एफ्रिकेट्स बोलते हैं। और ये एफ्रिकेट्स की संख्या है 2,
श और ज। ये एफ्रिकेट्स को बोलते समय भी हमको हम फील करते हैं कि मुंह में कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है और एयर फ्लो जो है एक किसी पॉइंट से बाहर हो रही है। तो ऐसे साउंड्स को हम एफ्रिकेट्स बोलते हैं, इनकी संख्या दो है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट वो लेटरल है, केवल एक लेटरल साउंड है, दैट इज ल, ल साउंड है। इसमें लेटरल इज अ कॉन्सोनेंट इन विच द एयर स्ट्रीम प्रोसीड्स अलोंग द साइड ऑफ द टंग, टंग के पास है, हमारी जीभ के पास से एयर बाहर निकलती है। कारण उसका यह है कि जब हम ल साउंड बोलते हैं तो हमारी जीभ हमारे ऊपर वाले दांत के पीछे के हिस्से को टच करती है, जिससे हवा ऊपर से टकरा करके साइड से बाहर निकलती है, इसीलिए इसको लेटरल साउंड बोलते हैं। ल ल हम बोलेंगे तो ल ल, तो हमारी जीभ ऊपर दांत के पीछे टच होती है और हवा साइड से बाहर दांतों के साइड से निकलती है, जीभ के पास से निकलती है, तो लेटरल साउंड होती है। उसके बाद लास्ट टाइप जो कॉन्सोनेंट्स के हैं वो है अप्रोक्सीमेंट्स या रोटिक या ग्लाइड। अप्रोक्सीमेंट्स की संख्या तीन है और ये है र, य और व। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स लेस ऑब्स्ट्रक्शन देन ए फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेंट्स में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जो बाधा होती है, रुकावट होती है मुंह में, वो कम होती है। बट मोर देन ए वोवल, वोवल साउंड से ज़्यादा होती है और फ्रिकेटिव से कम ब्लॉकेज इसमें रहता है। इन एन ल, द टिप ऑफ द टंग ऑफन मेक्स फुल कॉन्टेक्ट विद द एलवेयर रिज। एलवेयर रिज हम बोलते हैं हमारे ऊपर के दांत के पीछे का जो हिस्सा है उसको एलवेलर रिज बोलते हैं। तो जब हम ले साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर हम हमारी जीभ जो है एलवेलर रिज को टच करती है, और उस तरीके से जितना जो ब्लॉकेज रहता है उतना ही ब्लॉकेज अप्रोक्सीमेंट्स में रहता है, और अप्रोक्सीमेंट्स की संख्या है तीन, र, य, व। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनको हम छः तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है प्लोजिव्स या स्टॉप्स, इनकी संख्या है सिक्स। उसके बाद नेजल साउंड्स, नेजल साउंड्स की संख्या है तीन। फ्रिकेटिव्स, फ्रिकेटिव्स की संख्या है नौ। एफ्रिकेट्स दो, लेटरल साउंड एक, और अप्रोक्सीमेंट्स या रोटिक या ग्लाइड इनकी संख्या है तीन। इस तरीके से 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। इसी कॉन्सोनेंट साउंड्स को हम आगे स्टडी करते हैं डिटेल से, इनके प्ले, मैनर ऑफ प्रोनंसिएशन, और जिस प्लेस इनको डिवाइड किया, जिस प्लेस इनको उच्चारित किया गया, उस तरीके से इनको यहाँ पे इस टेबल में हमने दर्शाने की कोशिश की गई है। तो जो स्टॉप्स है, स्टॉप्स का दूसरा नाम जो हम बोल रहे हैं प्लोजिव्स है, प्लोजिव्स की संख्या है सिक्स। तो यहाँ पे आप एक नया टर्म देख रहे होंगे, वॉइसलेस और वॉइस्ड। तो वॉइस्ड साउंड्स वो साउंड्स होती है जब हम किसी साउंड को प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं, तो हमारा जो वोकल कॉर्ड है इस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन फील करते हैं, तो वो साउंड होती है वॉइस्ड साउंड। जितने भी वोवल साउंड्स हैं वो सब वॉइस्ड साउंड्स हैं, क्योंकि वोवल वोवल साउंड्स को जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम एक वाइब्रेशन फील करते हैं हमारे वोकल कॉर्ड में। तो जितने भी वोवल साउंड्स हैं वो सारी की सारी वॉइस्ड साउंड्स हैं। और रही बात कॉन्सोनेंट्स की, तो कॉन्सोनेंट साउंड्स में कुछ साउंड्स जो हैं वॉइसलेस हैं, जिनमें हम वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन फील नहीं करते हैं, और कुछ साउंड्स ऐसी भी हैं जहाँ पे हम वोकल कॉर्ड को उनको बोलते हैं उसमें वाइब्रेशन फील करते हैं, उनको हम वॉइस्ड साउंड्स कहते हैं। तो प्लोजिव्स, प्लोजिव्स में वॉइसलेस साउंड्स की बात करें तो तीन वॉइसलेस साउंड्स है, प, ट और क। प, ट और क, ये तीन साउंड्स जो हैं, प साउंड, ट साउंड और क साउंड, ये तीनों की तीनों साउंड वॉइसलेस साउंड्स हैं। इसमें जब हम इनको बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड में किसी प्रकार का कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, और ये प्लोजिव साउंड्स हैं। और बाकी की जो तीन दूसरी प्लोजिव साउंड्स हैं वॉइसड साउंड्स हैं, जिनमें ब, ड और ग, ये तीन दूसरी साउंड्स हैं जिसमें हम वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन फील करते हैं, और इन साउंड्स को हम वॉइसड साउंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम प्लोजिव्स के डिवीजन की बात करें तो प्लोजिव्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया, वॉइसलेस एंड वॉइस्ड, जिनमें तीन वॉइसलेस प्लोजिव्स हैं और तीन वॉइस्ड प्लोजिव्स हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स की संख्या नाइन है। फ्रिकेटिव्स के बारे में हम देखते हैं तो वॉइसलेस हैं, फ, थ, श, श, ह, ये वॉइसलेस हैं, और वॉइस्ड में व, द, ज, 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 इस तरीके से
ये वोइस्ड साउंड्स हैं। उसके बाद एफ्रिकेट्स, एफ्रिकेट्स में च वॉइसलेस है और ज वॉइस्ड साउंड है। उसके बाद नेजल साउंड्स की बात करते हैं, म न ग, तीनों की तीनों वॉइस्ड है नेजल साउंड्स। लेटरल साउंड्स ल वॉइस्ड है, इसमें भी वाइब्रेशन होता है। रोटिक साउंड ल, रोटिक साउंड ल है वो वॉइस्ड है। और ग्लाइड साउंड व और य, ये भी वॉइस्ड साउंड्स हैं। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ये जो अपने कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, छः प्रकार से उनको डिवाइड किया गया और उनके प्लेस ऑफ प्रोनंसिएशन, कहाँ से उनको बोला जाता है, तो वो प्लेस को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और उनके बोलने का तरीका है, वो वॉइसिंग कैसी है, वॉइसलेस है या वॉइस्ड है, मीन्स वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन है या नहीं है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स का यहाँ पे एक अच्छा सा चार्ट बना के उनको समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड को उनको हम कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे, किस सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, हम एक एक करके हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले प साउंड को हम लेते हैं। प साउंड देखिए, यहाँ पे प साउंड है पेट, यहाँ पे इनिशियल प साउंड है, पेट में शुरू में प साउंड आ गई। पेपर, इसमें इनिशियल भी है और मिडिल साउंड भी है पेपर। और टॉप, टॉप में लास्ट साउंड है, एंड साउंड प है, इसमें मिडिल साउंड प है और यहाँ पे इनिशियल साउंड प है, तो प साउंड है। उसके बाद ब, जैसे कि बेट, ट्रबल, रब, इनिशियल, मिडिल, एंड। उसके बाद ट साउंड है, टिम, बेटर, हॉट। उसके बाद ड साउंड, डिम, ऑर्डर, बेड। के साउंड, केम, टॉकिंग, बेक। इंडियन स्पीकर्स के लिए कॉन्सोनेंट साउंड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा ईजी है। इसमें कुछ कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जो कि उसको कंफ्यूज कर सकती है इंडियन स्पीकर को, जिनमें जय साउंड, इसमें तीन जय साउंड है। तो जय साउंड को हमने पिछले वीडियो में भी ठीक से बताने के प्रयास किया था, एक बार फिर से मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा, एक बार आप ध्यान से इसको सुनना। ग, गय साउंड गेम, बीगर, बेगर। गेम में इनिशियल गय साउंड है, बीगर में मिडिल में गय साउंड है और बैग में एंड में गय साउंड है। उसके बाद फाइन, एफ ए साउंड है, फाइन, ऑफर, ऑफ। वाइन, सेविंग, ऑफ। से साउंड, सील, मिसिंग, फेस। जे साउंड, जील, क्रेजी, फेज। यहाँ पे जो जे साउंड है इसको हम देखेंगे, इस जे साउंड को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये लॉन्ग नहीं होता, ज ज तुरंत हम एक फ्लिप के साथ में इसको बोल देते हैं, हम इसको होल्ड नहीं कर सकते और ये जो एयर है एस्केप करती है आपके धातु के साइड के दांत के पास से। उसके बाद शो, शो, इसमें संकर में जो से यूज करते हैं हम, वो से है। शो, पुशिंग, रश। उसके बाद जय साउंड है, इस जय साउंड में और इस जय साउंड में क्या डिफरेंस है कि इसको हम होल्ड कर सकते हैं, बोलते समय होल्ड कर सकते हैं, जैसे ज एक फ्लिप में बोलते थे, यहाँ पे ज ज ज, जैसे मीजर, मीजर, विजन, प्लेजर, इसमें जय साउंड जो है वो लॉन्गर साउंड है और ये शॉर्ट साउंड है जय साउंड। उसके बाद हम च, चौक, वॉचिंग, च साउंड है, इसका सिंबल है स्मॉल टी और एस के जैसा साउंड है, च साउंड है। उसके बाद ज, ज साउंड, इसमें जॉक, डैमेज, इस जय साउंड में जो सामने के दांत में हवा आकर के आपको पुश करेगी और आप इस जय साउंड को भी होल्ड करके एक दो चार सेकंड के लिए होल्ड करके बोल सकते हैं, जॉक, डैमेज। उसके बाद थ, थिन, बोथ, द, देन, विद। ले साउंड, लेटरल साउंड, लव, वेल। मे साउंड, मेल, सम। ने साउंड, नेल, फाइन। ग, न और ग दोनों का मिश्रण है इसमें,
ंग साउंड है, ंग नेजल साउंड है, एयर जो है मुंह के बजाय नाक से बाहर आती है इसमें, तो एक नेजल साउंड है ंग, इसका उच्चारण इस तरीके से होता है, जैसे सिंग सिंगर। उसके बाद है, हील, परहैप्स, र, रियल, करेक्ट, य, यह साउंड है जिसका रिप्रेजेंटेशन हम स्मॉल जे के जैसे करते हैं सिंबॉलिक वे में, यू, बियॉन्ड। फिर वह साउंड है, वह, वी, शोविंग। इस तरीके से ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं, और ये जो वर्ड्स, ये जो सिंबल्स हैं, ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इन साउंड्स को। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वावल साउंड्स की। व्हाट इज अ वावल साउंड? देर आर ओनली 5 वावल्स इन इंग्लिश। हम जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल्स हैं, लेकिन इनको इंडिकेट करने के लिए जो साउंड्स हैं वो 20 है। 5 वावल्स मिलकर 20 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वावल साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एयर कम्स आउट ऑफ द माउथ फ्रीली विदाउट एनी ब्लॉकेज। वावल साउंड में एयर जो है ना, बिना ब्लॉकेज के बाहर आती है, और क्लोजर इन द माउथ, माउथ में किसी कैविटी में कोई क्लोजर नहीं होता है, टीथ, लिप्स एटसेट्रा, किसी भी अंग से क्लोजर नहीं होगा, ना तो टीथ से कोई क्लोजर होगा, ना टंग से होगा, ना लिप्स से होगा, कहीं कोई क्लोजर नहीं होगा, विदाउट एनी ब्लॉकेज। जब वॉइस, जब एयर वावल्स को बोलते हैं तो बाहर आती है, तो उनको वावल्स बोलते हैं हम। द वावल साउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो प्रकार की है, जैसे कि प्योर वावल्स और दूसरा डबल वावल साउंड्स। प्योर वावल्स के दो नाम और हैं, मोनोफ्थोंग्स और सिंगल वावल साउंड्स। When these sounds are produced, pure vowels की बात कर रहे हैं हम, when these sounds are produced, the tongue remains in the same position even when the sound is prolonged. Tongue जो है same position में रहती है, चाहे sound लंबी हो चाहे short हो, तो tongue में कोई movement नहीं रहता है। They consist of one sound only and are called pure vowels, as it in sit, pot, हीट। सिट में ई साउंड है, शॉर्ट ई, ई साउंड, सिट, सिट, ई, ई साउंड है। पोट में ओ साउंड है, ओ, पोट। हीट में ई साउंड है। तो इस तरीके से ये जो वोवल साउंड्स हैं, ये बिना किसी ब्लॉकेज के, बिना किसी क्लोजर के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, ये अपने मुंह से बाहर निकलती है, और इनकी संख्या वोवल साउंड्स की 20 है, जिनको हम डिवाइड करते हैं दो तरीके से, मोनोफ्थोंग्स या प्योर वोवल्स या सिंगल वोवल साउंड्स, इनकी संख्या है 12। और दूसरा जो टाइप है वो है डिप्थोंग्स या डबल वोवल साउंड्स, इनकी संख्या है 8। तो डिप्थोंग्स क्या है? द वोवल साउंड्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंगल वोवल्स। जब दो सिंगल वोवल मिलकर के एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उसको हम डिप्थोंग बोलते हैं। एंड इन प्रोनाउंसिंग देम द टंग मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। अब देखिए यहाँ पे क्या था, प्योर वोवल्स में टंग में कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन डिप्थोंग्स में जब हम इनका डिप्थोंग्स का प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंसिएशन होगा, तो टंग में मूवमेंट होगा, टंग एक साइड से दूसरी साइड में मूव करेगी, ये डिप्थोंग्स की खास बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं, वोवल साउंड्स की स्टडी करते हैं कि वोवल साउंड्स किस तरीके से डिवाइड की गई है। You have read in previous lesson that there are essentially two kinds of vowel sounds. जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा vowel sounds, पिछले lesson में भी पढ़ा, vowel sounds दो प्रकार की है, single vowel sounds या monophthongs या pure vowels, इनकी संख्या है 12, और diphthongs या double vowel sounds, इनकी संख्या है 12। तो आप देखते हैं single vowel sounds कौन सी है, double vowel sounds कौन सी। इस चार्ट में आप देखिए vowels, vowels को divide किया हमने, तो प्योर वोवल्स और डिप्थोंग्स, ये पार्ट वन हो गया, पार्ट टू हो गया। अब प्योर वोवल्स को हमने दो तरीके से फर्दर डिवाइड कर लिया, उसमें शॉर्ट वोवल्स हैं और लॉन्ग वोवल्स हैं, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं, और ये लॉन्ग, जिनको जिनका उच्चारण लंबा होता है वो लॉन्ग वोवल्स हैं। तो शॉर्ट में देखिए ई, पिन में हम बोलेंगे तो ई, पिन, छोटी ई, टेन, ई ए की मात्रा है, टेन ए, बैट, बेट, आई की मात्रा से, बेट, कप, ए साउंड, पॉट, बुक, अबाउट, ए साउंड। तो ये
अ ए आई अ ऊ ओ ऊ और अ, ये जो साउंड्स हैं ये शॉर्ट वोवल साउंड्स हैं, उसके साथ में लॉन्ग वोवल साउंड्स में ई आ ओ ऊ अ, ये जो वोवल साउंड्स हैं ये लॉन्ग वोवल साउंड्स हैं। तो हमने देखा कि पांच जो वोवल साउंड्स हैं वो लॉन्ग वोवल साउंड्स हैं और सात वोवल साउंड्स हैं वो शॉर्ट वोवल साउंड्स हैं। इस तरह से टोटल 12 प्योर वोवल साउंड्स हैं। अब हम बढ़ते हैं डीपथोंग्स की तरफ। डीपथोंग्स की संख्या 8 है। इनमें ई और ए और ई की साउंड आ रही है। फर्स्ट आप देखिए, ए और ई की साउंड आती है, गेट गेट। फिर आ और ई की साउंड है, आई। ओ और ई की साउंड है, बॉय। अ और ऊ की साउंड, हाउस, आउ आउ। फिर फोन, अ और ऊ की साउंड है, फोन। फिर ई, ई और ए की साउंड है। और उसके बाद चेयर, ए और ए की साउंड है। और पुअर, ऊ और ए की साउंड है। तो इनकी संख्या है 8। यहाँ पे देखिए, सब जगह पे दो दो वोवल को हमने यहाँ पे सिंबॉलिक तौर पे रिप्रेजेंट किया है। जब दो वोवल, दो प्योर वोवल की साउंड मिलकर के एक साउंड हम बनाते हैं तो वो होती है डीपथोंग्स। ई ए ई ए आई ओ ई औ औ ई ए उ। तो इस तरीके से ये 8 डीपथोंग्स हैं और 12 प्योर वोवल्स हैं। प्योर वोवल्स को हमने डिवाइड किया तो शॉर्ट वोवल्स की संख्या 7 है और लॉन्ग वोवल्स की संख्या 5 है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इनका उच्चारण यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ में दिया गया है, हम लोग ध्यान से इनका उच्चारण करेंगे और इनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हिट, हिट में आप देखिए ई है, छोटा ई का साउंड है जिसको हमने सिंपली आई से रिप्रेजेंट किया है। जब इसमें लॉन्ग ई की साउंड होगी तो आई के पास में दो डॉट लगे रहेंगे, तो ये ई, लॉन्ग ई साउंड है। हिट में ई साउंड है बट वो शॉर्ट है। बीन, बीन में ई साउंड है, लॉन्ग ई साउंड है। उसके बाद फूड, फूड में भी ऊ, बड़ा ऊ वाला है, ऊ है जिसमें ऊ साउंड लॉन्ग, लॉन्ग ऊ साउंड है, फूड। फुट, ऊ साउंड बट शॉर्ट, ए ए पेज। ए और ई की साउंड है तो ये डिपथोंग है अपना। हियर, ई और ए की साउंड है, हियर। औ औ, नाउ नाउ, अ और ऊ की साउंड है। अगो, ए की साउंड, अगो। फिर उसके बाद फर्स्ट, ए की साउंड, ए थोड़ा लॉन्ग, लॉन्ग ए। बोट, लॉन्ग ओ। गोट, शॉर्ट ओ। आई, फाइव। एयर, देयर। हाउस, हाउ साउंड, हाउस। फिर ए साउंड, पेन। आई साउंड, कैट। आ साउंड, का, लॉन्ग आ। ए साउंड, शॉर्ट, बट। ओई, बॉय, वॉइस में ओई साउंड है। उसके बाद ऊ अ साउंड, पुअर में ऊ अ साउंड है। इस तरीके से ये 20 वोवल साउंड्स हमने देखा और इनको रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स को भी हमने पढ़ा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवल साउंड्स के डिविजन्स को देखा। कॉन्सोनेंट साउंड्स जो कि 6 प्रकार की है और वोवल साउंड्स जो कि 2 प्रकार की है। तो हमने इनको रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स को और इनके वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन को स्टडी किया। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ मैं सुरेंद्र विदा लेता हूँ आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।